स्थिर विद्युत परिरक्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसी ऐसे चालक के बारे में विचार कीजिए जिसमें कोई कोटर हो तथा उस कोटर के भीतर कोई आवेश न हो। एक विशिष्ट परिणाम यह देखने को मिलेगा कि चाहे कोटर की कोई भी आकृति और आकार क्यों न हो तथा चाहे उस चालक पर कितने भी परिमाण का आवेश हो और कितनी भी तीव्रता के बाह्य विद्युत क्षेत्र में उसे क्यों न रखा जाए, उस कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्योंकि हम जान चुके हैं किसी गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, उसी तरह इस कोटर के भीतर भी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इससे संबंधित एक परिणाम यह भी है कि यदि चालक आवेशित भी है तथा किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा उदासीन चालक पर आवेश प्रेरित क्यों न किए गए हों, समस्त आवेश केवल चालक पर कोटर सहित उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। संलग्न चित्र में आप देख रहे हैं कि एक कोटर है जिसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य है पर विभव का मान नियत है। चालक में कोई भी कोटर बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहती है। बाहर में आप देख रहे हैं चित्र में प्लस क्यू आवेश दिखाया गया है, पर भीतर में आप देख रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, पर उसके भीतर विभव का मान नियत रहता है। इस तरह ऐसे चालकों में कोई भी कोटर बाह्य विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहती है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, इसे स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचाने में किया जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए, जब बरसात के दिन हुए और वहां पर बिजली कड़क रही है तो आपको बाहर में खुले जगह में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप नजदीक में कोई भी, यदि आप कार के पास खड़े हैं तो कार का गेट खोल करके अंदर चले जाइए, तो जो भी आवेश आएगा वह कार के बाहरी सतह पर रहेगा, भीतर नहीं रहेगा। यही आपका स्थिर विद्युत परिरक्षण का व्यवहारिक उपयोग है। परावैद्युत तथा ध्रुवण डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं, चालकों की तुलना में इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता, अर्थात नगण्य आवेश होता है। जैसा कि आपको स्थिर विद्युत परिरक्षण में बताया गया कि जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करके अपने को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। यह उस समय तक होता रहता है जब तक कि स्थिर स्थिति में दोनों क्षेत्र एक दूसरे का निरसन कर देते हैं तथा चालक के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं होती, फिर भी यह पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। परंतु चालक से भिन्न इस प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र को यथार्थ रूप में निरीक्षित नहीं करता, यह केवल क्षेत्र को घटा देता है। इस प्रभाव की सीमा परावैद्युत की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रभाव को समझने के लिए हम किसी परावैद्युत पदार्थ में आणविक स्तर पर आवेश वितरण की अध्ययन की आवश्यकता होगी। किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी अथवा अध्रुवी हो सकते हैं। किसी अध्रुवी अणु में धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं, तब अणु का कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ऑक्सीजन का अणु तथा हाइड्रोजन के अणु अध्रुवी अणुओं के उदाहरण हैं, जिनमें सममिति के कारण
कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। इसके विपरीत कोई ध्रुवीय अणु वह होता है जिसमें धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र पृथक पृथक होते हैं। ऐसे अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसा संलग्न चित्र में HCl का अणु अथवा पानी का अणु ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण है। संलग्न चित्र में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु अध्रुवीय अणु के उदाहरण हैं और HCl और H2O ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण हैं। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु के धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। यह विस्थापन तब रुकता है जब अणु के अवयवी आवेशों पर बाह्य बल प्रत्यानयन द्वारा संतुलित हो जाता है। अतः अध्रुवीय अणु एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। उस स्थिति में परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है। हम केवल सरल स्थिति पर विचार करेंगे जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है तथा क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ जिनके लिए अभिधारणा सत्य है उन्हें रैखिक समदेशिक परावैद्युत कहते हैं। विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं, जैसा कि संलग्न चित्र में अध्रुवीय अणुओं का बताया गया है। E बराबर 0 था, जैसे ही इन्हें रखा गया आप देखिए धन और ऋण अलग अलग डायरेक्शंस में हो गए हैं। ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी विकसित करता है, परंतु इसका कारण भिन्न होता है। किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभिन्न स्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अभिविन्यासित होते हैं, अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जब कोई बाह्य क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है तो व्यष्टिगत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। जब सब अणुओं पर इसका योग किया जाता है तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की सीमा दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा जो द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ संरेखित रखने का प्रयास करती है तथा तापीय ऊर्जा जो संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त अध्रुवीय अणुओं की भांति यहां भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रभाव हो सकता है, परंतु व्यापक रूप में संरेखण प्रभाव ध्रुवीय अणुओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहां आप चित्र में देखे थे अध्रुवीय अणुओं में भी भीतर में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया है और ध्रुवीय अणुओं में भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया है, जिससे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है। इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों में चाहे ध्रुवी हो अथवा अध्रुवी, परावैद्युत पदार्थ किसी बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है तथा इसे P द्वारा निर्देशित किया जाता है। रैखिक समदेशिक परावैद्युतों के लिए P बराबर जाई ई इंटू कैपिटल ई, जहां जाई ई परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। इसको जाई ई को पदार्थ के आणविक गुण से संबंधित करना संभव है, परंतु हम यहां पर इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। अब प्रश्न यह है कि कोई द्विध्रुवित परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसा करता है। सरलता की दृष्टि से हम किसी ऐसे आयताकार परावैद्युत गुटके पर विचार करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो कि किसी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र ई ओ में रखा है, जो गुटके के दो फलकों के समानांतर है। क्षेत्र के कारण परावैद्युत में
एक समान ध्रुवण पी होता है। इस प्रकार गुटके के प्रत्येक आयतन अल्पांश डेल्टा वी का क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण पी इंटू डेल्टा वी होता है। स्थिर रूप से आयतन अल्पांश डेल्टा वी छोटा होता है, परंतु उसमें अत्यधिक संख्या में आणविक द्विध्रुव होते हैं। परावैद्युत के भीतर किसी भी स्थान पर आयतन अल्पांश डेल्टा वी पर कोई नेट आवेश नहीं होता, यद्यपि उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका कारण यह है कि एक द्विध्रुव के धनावेश अपने से संलग्न द्विध्रुव के ऋणावेश के निकट होते हैं, परंतु परावैद्युत के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत स्पष्ट रूप से एक नेट आवेश घनत्व होता है, जैसा कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। दाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के धनात्मक सिरे हैं तथा बाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के ऋणात्मक सिरे रह जाते हैं। असंतुलित आवेश बाह्य क्षेत्र के कारण प्रेरित आवेश होते हैं, अतः ध्रुवित परावैद्युत दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य होता है, जिनके प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा पी तथा माइनस सिग्मा पी है। स्पष्ट है कि इन पृष्ठीय आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करते हैं। इस प्रकार परावैद्युत में कुल क्षेत्र उस प्रकरण की तुलना में जिसमें कोई परावैद्युत नहीं है कम हो जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी परावैद्युत में मुक्त आवेशों के कारण नहीं वरन परिबद्ध आवेशों से उत्पन्न होता है। आइए अब हम देखते हैं कुछ आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न पहला, दो बिंदुओं P व Q के विभव क्रमशः 10 वोल्ट एवं ऋण 4 वोल्ट बनाए रखे जाते हैं। 100 इलेक्ट्रॉन को P से Q तक गति कराने में किए गए कार्य का गणना कीजिए। हल दिया है, P पर विभव Vp बराबर 10 वोल्ट, Q पर विभव Vq बराबर माइनस 4 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 100, 100 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैपिटल Q बराबर n इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो n का मान 100, E का मान आप पढ़ चुके हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, तो आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ धन 2 कूलाम, तो 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलाम। किंतु आप जानते हैं विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, तो विभवांतर Vp माइनस Vq बराबर कार्य W बटे आवेश Q मान रखें। Vp का मान 10 वोल्ट, Vq का मान ऋण 4 वोल्ट, W का मान निकालना है, Q का मान 7 लिखा गया था, ये हो जाएगा 17। अब इसको कल करेंगे, 10 धन 4 वोल्ट गुणित 1.6 × 10⁻¹⁷ ये कूलाम था, बराबर W गुना कर दीजिए, 10 × 4 = 14 गुणित 1.6 × 10⁻¹⁷ जूल बराबर कार्य। हल कर देंगे, 14 का गुना 16 से कर देंगे, 16 × 64 = 4, हाथ की लाई 6, 16 × 16 = 22, तो आपका हो जाएगा 22.4 × 10⁻¹⁷ जूल, या W बराबर मानक रूप में लिखेंगे तो 2.24 ×
10^-16 जूल। इस तरह किया गया कार्य बराबर 2.24 × 10^-16 जूल होगा। आंकिक प्रश्न 2। धातु के एक खोखले गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है तथा इस पर 500 माइक्रोकुलाम आवेश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात कीजिए। ए, गोले के केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर। बी, गोले के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। सी, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। हल दिया है गोले का व्यास बराबर 2r = 60 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर r = 60/2 = 30 सेंटीमीटर। गोले पर आवेश q = 500 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में बदल देंगे, 500 × 10^-6 कुलाम। भाग ए देखें। भाग में ए में कहा गया गोले के केंद्र से 100 मीटर की दूरी r = 100 सेंटीमीटर। चाहें तो आप इन सबको मीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि MKS पद्धति में काम करना है, तो 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा 30 × 10^2 मीटर। वैसे 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा 100 × 10^2 मीटर बराबर 1 मीटर। तीव्रता E ज्ञात करना है और विभव V भी ज्ञात करना है। तो तीव्रता का सूत्र है आपके पास, बिंदु बाहर होगा इसलिए हम इसको E नॉट लिख देते हैं, 1/4πε0Q/r2। तो हो जाएगा E नॉट 1/4πε0 का मान आप सभी जानते हैं 9×10^9। Q का मान आपको दिया है 500 × 10^6। R का मान दूरी अपने को बता दिया गया है 1 मीटर। इस वर्क करेंगे E नॉट बराबर 9 × 5 से करेंगे तो 45×10^9, ये -2 हो जाएगा -6, इसलिए E नॉट बराबर 45×10^5 N/c, ये तीव्रता का मान हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता जो हुई 45×10^5 N/c होगी। इसी प्रकार विभव, क्योंकि यहाँ पर ये जो 100 सेंटीमीटर है ये गोले के त्रिज्या से अधिक है, तो फिर ये बाहर हो जाएगा। बाहर में विभव V = 1/4πε0Q/r। V0 = इसका मान होता है 9×10^9। क्यू का मान 500×10^6। आर का मान 1 मीटर। तो हल करें, V = 9×5 = 45 हो गया, 10^9 = 2 × 6, इसलिए V0 = 45×10^5 V। तो देखिए आप, भले दोनों के मान समान है पर इकाई अलग अलग है। आप देखिए, तो गोले के बाहर स्थित बिंदु पर जो 100 सेंटीमीटर की दूरी है वहाँ पर तीव्रता 45×10^5 N/c और विभव 45×10^5 V होगा। पुनः देखिए बच्चों, दिया है गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 30 सेंटीमीटर, गोले पर आवेश 500 माइक्रोकुलाम, तो 500×10^6 कुलाम हो गया। अब अपने को यहाँ पर गोले के केंद्र से दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर की दूरी, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी r = 30 सेंटीमीटर, मीटर बना दीजिए तो 30×10^2 मीटर। अब देखिए सतह पर हो गया,
तो अभी जो हमको तीव्रता निकालनी है सतह पर निकालनी है, और विभव भी हमारे को सतह पर निकालना है। तो सतह पर तीव्रता ई एस बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों के मान समान हैं। हल कर दीजिए, ई सरफेस 9×10⁻⁹ क्यू का मान 500×10⁻⁶ है, आर का मान 30×10⁻²² मीटर का वर्क। तो ई एस 9×10⁹, 5×10⁻², 30 को हल करेंगे तो हो जाएगा 900×10⁻³, इसलिए ई एस 9×45/9×10⁻²(2), 6 ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 100 का आपका -2 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5×10⁻², तो 11×4=15, 15 में से 8 जाएगा तो 10⁻⁷ न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार से विभव निकाल दीजिए, Vs=1/4πε0Q/R, तो Vs बराबर इसका मान है 9×10⁻², Q का मान है तो हम इधर तीव्रता निकाल रहे हैं, इधर हम विभव निकाल रहे हैं, 500×10⁻⁶ कूलम, दूरी अपने को दिया है 30×10⁻², हल करें 9×5/3 10⁻⁹, ये आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, 6 ये 2 है तो ऊपर 2 हो गया, ये इसका 1-1, 9×5=45, 45 को 3 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 15×9=11, 2×13, 13 में से 6 और 1=7 गया तो बच गया 6। अब आप इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 1.5×10⁷ वोल्ट। तो इस प्रकार से विभव था और ये आपकी तीव्रता थी। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी चूंकि सतह पर हो जाती है इसलिए सतह पर जो तीव्रता थी 5×10⁷ न्यूटन प्रति कूलम और विभव हो गया 1.5×10⁷ वोल्ट। गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने को विभव निकालना है, तब स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर 10×10⁷ मीटर। यह बिंदु गोले के अंदर है, गोले के अंदर है इसलिए तीव्रता E inside बराबर 0 व विभव V inside जो है वह सतह पर विभव के बराबर होगा। तो सतह का विभव अभी आपने निकाला था बच्चों 1.5×10⁷ वोल्ट। तो आपको इसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है क्योंकि अंदर बिंदु में आपको ध्यान में रखना कि तीव्रता शून्य होती है और विभव का कुछ न कुछ मान होता है। आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 4x² है, उसके बिंदु 1, 0, 2 पर तीव्रता की गणना कीजिए। अगला हल देखते हैं, दिया है विभव V बराबर 4x² अपना बिंदु है R 1, 0, 2 पर तीव्रता निकालनी है। आप सभी जानते हैं E बराबर -dV/dr, चूँकि 3 बिंदु हैं XYZ, तो यहाँ पर वैसे EX निकलेगा बराबर -dV/dx, वैसे EY निकलेगा -dV/dy, और वैसे EZ निकलेगा -dV/dz। तो देखिए
ई एक्स बराबर माइनस डी बटे डी एक्स चार एक्स का वर्ग। अब यहाँ पर वी नहीं है, वाई कंपोनेंट नहीं है, मतलब ई वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही देखिए ई जेड, उसका भी पार्ट नहीं दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि रहता जेड डायरेक्शन में तो उसको भी अपन रखते। तो इसलिए ई एक्स इक्वल टू चार नियतांक है, बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स का वर्ग। अब सूत्र लगा देंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन बराबर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो ई एक्स बराबर माइनस फोर और एक्स स्क्वायर करेंगे तो टू एक्स बराबर माइनस एट एक्स। अब बिंदु आपको दिया हुआ एक जीरो टू, तो ई एक्स किस पर निकालना है, एक पर, तो माइनस एट इंटू वन बराबर माइनस एट। तो ई एक्स निकल गया, ई वाई जीरो हो गया, ई जेड तो आप सदिश राशि ई बराबर, तो ये आपका हो जाएगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। ई एक्स का मान आपके पास है माइनस एट आई, इसका मान है जीरो और इसका भी मान है जीरो। तो इस प्रकार से आप देखिए तो ई का मान आ गया माइनस एट आई, आई जे के इकाई सदिश है, ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्र। इस तरह बिंदु एक शून्य दो पर तीव्रता बराबर माइनस एट आई वोल्ट प्रति मीटर है। मूल्यांकन के प्रश्न, पहला विद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखकर विमा लिखिए। प्रश्न दूसरा समविभव पृष्ठ क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। प्रश्न तीसरा बिंदु आवेश क्यू के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। प्रश्न चौथा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न पांचवा कारण बताइए कि दो समविभव पृष्ठ क्यों नहीं काटते हैं। प्रश्न छठवां सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होगा। प्रश्न सातवां 100 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रश्न आठवां 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखलीय गोलीय चालक को 2.4 गुणित 10 की घात 9 कूलाम आवेश दिया जाता है, तो निम्न की गणना कीजिए। गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव, बी गोले के पृष्ठ पर विभव, सी गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव।